फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टोटल कॉस्ट एंड उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे लाइक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो सब फिनिश कर लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एवरेज कॉस्ट पे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का सेकेंड कॉन्सेप्ट है। एसी पे बात करने वाले हैं आज कि एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब होगा, एंड देन इसके आगे चलेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो देखो, सिंपल है। एवरेज कॉस्ट, इट रेफर्स टू द कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एवरेज कॉस्ट बहुत ही आसान है। इसका मतलब हो गया कि पर यूनिट आउटपुट को, एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट आता है उसे हम सिंपली कहते हैं एवरेज कॉस्ट। अब क्योंकि ये पर यूनिट आउटपुट की बात कर रहा है कि एक यूनिट आउटपुट को बनाने का कॉस्ट कितना आता है, इसीलिए एवरेज कॉस्ट का एक और नाम है, दैट इज यूनिट कॉस्ट। आपको एवरेज कॉस्ट ना नाम से भी देखने को मिलेगा। कौन से नाम से? तो यूनिट कॉस्ट के नाम से भी ये आपको देखने को मिलेगा। जनरली हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट का एक और नाम क्या है, ये यूनिट कॉस्ट मींस। तो आपको पता लगना चाहिए कि यूनिट कॉस्ट बोल रहे हैं मतलब एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है। सिम्बॉलिकली हम इसे कैसे दिखा सकते हैं, ये एवरेज कॉस्ट को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो बहुत ही आसान, एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से। सपोज करिए कि आपने टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं 8, आपने टोटल नंबर ऑफ आउटपुट 8 बनाया, और इसे बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगता है आपका वो लगता है 48 रुपीज। ठीक है, सपोज करें कि टोटल कॉस्ट है 48 और टोटल आउटपुट आपने बनाया है 8। इस केस में जो वैल्यू आ रहा है वो है आपका ₹6। ये जो ₹6 है ना, ये इंडिकेट करता है एवरेज कॉस्ट को, ये एसी को बता रहा है। साथ ही साथ ये क्या बता रहा है कि पर यूनिट आउटपुट को बनाने का हमारा कितना खर्च आ रहा है, तो वो आ रहा है ₹6। सो एवरेज कॉस्ट को आप निकाल सकते हो टीसी बाय क्यू से डिवाइड करके, मतलब टीसी बाय क्यू करोगे तो एवरेज कॉस्ट का वैल्यू आ जाएगा, और ये आपका पर यूनिट आउटपुट को बनाने का जितना कॉस्ट है उसके बारे में बतलाएगा। यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला में जो लिखे हुए हैं उसको डिटेल में लिख दिया है। एसी यहाँ एवरेज कॉस्ट है, टीसी टोटल कॉस्ट है, क्यू जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस को बता रहा है। अब देखो, एवरेज कॉस्ट बराबर होता है टीसी बाय क्यू। हम इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि एवरेज कॉस्ट का होगा, और देखो कि उसे कैसे करेंगे। तो देखना, एवरेज कॉस्ट बराबर होता है, एवरेज कॉस्ट बराबर होता है टीसी बाय क्यू। टोटल कॉस्ट बराबर, हमने क्या लास्ट अपने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। क्या हम कर सकते हैं टोटल कॉस्ट की जगह पे क्या हम ये वैल्यू लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। यही काम यहां किया हुआ है। देखो, एसी बराबर टीसी की जगह पे हमने लिखा है टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अब सिंपली इसको हमने सेपरेट किया हुआ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्यू प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्यू, इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब देखना कि टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं तो मिलता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या हमें मिलेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सिमिलरली जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दोनों चीजें हमारी यहां से आ रही हैं, तो वही लिखा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्यू को हम सिंपली लिख सकते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो द एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक और फॉर्मूला हमारा एवरेज कॉस्ट का मिला है। आप एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हो टीसी बाय क्यू से, या फिर अगर आपके पास टोटल कॉस्ट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं है, और आपके क्वेश्चन में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और आपको इससे निकालना है एवरेज कॉस्ट, आप सिंपली दोनों को ऐड कर दो, आपको एवरेज कॉस्ट का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे एसी क्या? तो एवरेज कॉस्ट। एएफसी क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड एबीसी क्या है? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट को समझ लिया है कि क्या मतलब है एवरेज कॉस्ट का, ये पर यूनिट आउटपुट का कॉस्ट बताता है, सिंपल। एक और नाम क्या है तो यूनिट कॉस्ट। सिंबॉलिकली हम दो तरह से इसे दिखा सकते हैं, एसी इज इक्वल्स टू टीसी बाय क्यू, साथ ही साथ हम इसे दिखा सकते हैं एसी इज इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब यहां पे हमें ये तो पता लग गया है कि एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हमें एवरेज कॉस्ट का नेचर समझने के लिए समझना पड़ेगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो इसके आगे हम लोगों को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को समझना है। तो सेम काम रिपीट करेंगे, मीनिंग देखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे एंड देन इसका एक टेबल और डायग्राम बनाने के बाद हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इन दोनों की मदद से हमें एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाना है और उसका हम लोग बनाएंगे टेबल।